जाएंगे ये पोखरी में ना, जो तालाब रहता है, मेरा उड़िया और हिंदी मिक्स हो जाएगा। तो हमारी ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय मंदिर है यहाँ का। पता मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, तो मयूरभंज का राजा ही बनाए थे। तो ऊपर में जो भगवान जी हुए पूरे, यहाँ पर बाप बहुत ही ज्यादा, मतलब जो अभी सांप जो होता है ना, बहुत ज्यादा निकलता है। पीछे देखो मंदिर कितना सुंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का 12 बज रहे हैं और मैं हमारे जो एक छोटा सा बागान मम्मी बनाई है उसमें टहल रही थी, क्योंकि लंच का टाइम था और हमारे यहाँ पर ही बागान में ही बहुत सारा वेजिटेबल्स वगैरह मम्मी लगाई है। बहुत सारा मतलब बैंगन हो गया, कि वो जो सीम बोलते वो हो गया, और ये छोटा छोटा फूल देख रहे हो ना वो सब, और जो सूजना होता है ना, सूजना का साग होता है। साग बहुत ही ज़्यादा विटामिन रहता है, आयरन बहुत रहता है, खाना चाहिए, और लेडीज लोग को तो बहुत ही ज़्यादा खाना चाहिए। तो उसका मैं सिंपल, देखो ये तोड़ रही हूँ ना, तो जैसे इसका फ्राई बनेगा, अभी बनेगा इसका, तो मम्मी पहले से तोड़ के ले गई थी, पर और थोड़ा सा ज़रूरत हुआ तो मैं गई थी तोड़ने के लिए। और इधर ये बैंगन भी हम लोग का हुआ था ना, तो मैं दिखा रही हूँ, उसको भी हम लोग को तोड़ना था, तो मम्मी और मैं मिलके तोड़ रहे। देखो कितना छोटा छोटा बैंगन हुआ, ऐसे होता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है, मम्मी को भी ये सब अच्छा लगता है, मुझे भी ये सब अच्छा लगता है। जैसे पेड़ पौधे वगैरह, नेचर से बहुत ही मतलब प्यार है, बोलने से चलेगा, रहना भी चाहिए। और इधर देखो कैसे बनाते हैं फ्राई। मम्मी सब कुछ बना ली थी, बस अभी ये खाने का टाइम में ही गरम गरम बना के खाने से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको मतलब ऐसे मम्मी और मैं मिल के ही तोड़ रहे थे, तो ये डाली में पूरा बहुत सारा रहता है, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में मतलब तोड़ ले रहे थे कि ऐसे ही तोड़ना है। और जस्ट इसको बहुत ही जल्दी भी बन जाता है, सिंपल सा है, बहुत विटामिन है, और लेडीज लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, खाना चाहिए, बहुत ही आयरन रहता है इसमें। तो इसको अभी फ्राई बनाएंगे, अभी खाने का टाइम है, इसीलिए अभी ही तुरंत ही हम लोग इसको तोड़ ले रहे। और मम्मी इसको जो हंसुआ बोलते हैं, उड़िया में पोनखी बोल लो, हिंदी में हंसुआ बोल लो, कुछ भी, उसमें मम्मी देखो इसको ऐसे ऐसे काट ले रही है। इस काटने के बाद ही मम्मी धोती है, मुझे नहीं पता कितना जन साग धोने के बाद काटते हैं, मम्मी ऐसे करती है, मैं तो बचपन से देखी हूँ, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी होता है। तो अभी ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है, ये सब उतना छुरी जो चाकू होता है ना, उतना देसी चीज़ है ना, तो ये सब चीज़ से ही अच्छा से कटता है। तो देखो मैं दो पानी में धो ली थी, अभी ये पर इसे ही पानी में धो लेना है, और कढ़ाई उधर बिठाई हूँ, बस उसमें सरसों का तेल ऐड करूँगी, थोड़ा खुशबू ज़्यादा अच्छा आता है, तो सरसों का तेल वही ऐड कर रही हूँ। और इधर देखो मैं, मम्मी सब काट के रखी थी छोटा छोटा, पूरा हिस्सों में लहसुन और प्याज को काट लिए, पूरा छोटा छोटा, चुन चुन बोलते हैं ना वैसे, चुन चुन टाइप का। ओके, तो मैं लहसुन डाल दी, देन प्याज जितना था उसको डाल दी, और अभी सूखा मिर्च है ना, सूखा मिर्च डालूंगी, सूखा मिर्च से बहुत ही अच्छा खुशबू भी आता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो सूखा मिर्च जरूर डालना चाहिए ये सब चीज़ में। ओके, तो सूखा मिर्च डाल दी, बस इस बोली ना, जैसे टाइम ही नहीं लगता, जब आपको खाना है तो वही टाइम इसको गर्मा गर्म बना के खा ले। तो अभी बस इसको ओडिशा और बिहार झारखंड इधर वेस्ट बंगाल इधर के लोग जानते होंगे, नॉर्थ इंडिया में उतना ये सब नहीं खाते हैं, पर ये सब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, सब खाना चाहिए, साग भाजी सब सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो बस मैं साग को डाल दी, वो प्याज वो सब भुनने के बाद थोड़ा रोस्ट भूनना है तो अच्छा लगेगा, वो प्याज और लहसुन को रोस्ट होने तक भूनना है, उसको भूनने के बाद मैं साग को डाली। और साग हमेशा बनाने टाइम ना थोड़ा पकने के बाद ही स्वाद अनुसार नमक डाला जाता है, क्योंकि साग थोड़ा दब जाता है ना, तो नमक पहले से डाल देने से क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नमक मतलब उसका जो क्वांटिटी ही रहता है ना, पता नहीं चलता, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ही नमक हो जाता है अगर हम लोग ठीक से नहीं डाल पाए। तो इसीलिए जब पूरा साग पूरा भुन जाएगा, मतलब लगभग 80% हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, बहुत दिखता है साग, हो जाता है कम। ओके, इसीलिए जब पूरा पक जाएगा, आधा हो जाएगा, तब तो उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए।
पहले नहीं डालना चाहिए। तो बस ये हो गया है पूरा अच्छा वाला। वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे और हम लोग फिर से निकल रहे कहीं बाहर, मैं और मम्मी। फिर मैं दिखाती हूँ। ओके अभी नहीं बताऊंगी, पहुंचने के बाद बताऊंगी, जो भी जगह होगा अच्छा जगह होगा। ओके तो चलिए जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है। अभी मैं दिखाऊंगी, बहुत ही पुराना है तो चलिए दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, इसके साइड में बागान है। यहाँ के जो राजा थे ना वो बनाए थे, तो मैं यहाँ का बागान पहले दिखाती हूँ। मम्मी हाँ वो लाइट लगा दिए, चलो। हाँ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। पुराना चीज खूबसूरत ही रहता है, तो लास्ट तक मैं पूरा दिखाऊंगी। चप्पल खोल लेते हैं और इधर मम्मी पूरा रेडी हो गई है, फूल उल तोड़ ली है पूरा। ये देखो सामने में कितना सुंदर एक तालाब है, ये पोखरी पूरा ई हो गया। मछली था से गया। इधर से भी एक रास्ता है, ऊपर में भगवान जी का मंदिर है देखो, और इधर से भी एक रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत सा है। इधर देखो ये, और ये पोख जो तालाब बोलते हैं ना, देखो ये सामने में ही तालाब है। जाएंगे ये पोखरी में ना जो तालाब रहता है, मेरा उड़िया और हिंदी मिक्स हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि उड़ीसा में बचपन से रही हूँ ना, तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उड़िया और हिंदी मिक्स होगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम हिंदी ही रहता है, थोड़ा बहुत उड़िया लैंग्वेज मिल जाता है। और इधर जो ये तालाब में ना, पहले ही सूरज का किरण जब भगवान जी, मतलब सूरज भगवान जब उगते ना, पर यहाँ गिरता है पड़ता है। मैं दिखाते अभी ऊपर जाते हैं। मुझे ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं बचपन में हमेशा आती थी, हमारे घर के पीछे में ही है। और जैसे कि बोली इसको, मतलब मयूरभंज, हम बारीपादा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, तो मयूरभंज का राजा ही बनाए थे। उनका आर्किटेक्चर देखिए कितना प्यारा प्यारा आर्किटेक्चर। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, 300-400 साल पहले का मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ पत्थर था ना कहीं नीचे में, वहाँ से पूरा मतलब ऐसे निकलता था आग टाइप का, तो इसलिए ज्वालामुखी मंदिर नाम दिया गया है। और ऐसे ही मतलब हम लोग भी बारीपादा में बहुत ही पुराना आदमी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मेरे दादा परदादा लोग बहुत ही पुराना है, तो मैं भी सुनी हूँ ऐसा। कोई भी नहीं, अभी कोविड की वजह से ऐसे भी ये मंदिर में भीड़ नहीं रहता है, और भगवान जी का फोटो लेना अलाउ भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। ओके पर इसका माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, दिखाई ना जो सामने में तालाब है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये टाइम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए मैं चारों तरफ राउंड, मतलब राउंड कर रही हूँ, पूरा बीच में मंदिर है। और जैसे नीचे दिखाया सीढ़ी है, इधर से एक सीढ़ी और उधर से एक सीढ़ी। तो मैंने जो बगान दिखाया उससे पहले मान्यता था, बोलते थे होता होगा जो यहाँ का देवी माँ है ना, तो ज्वालामुखी माँ वो पूरा ऐसे रात में घूमते थे पूरा, तो
बगान का चारों तरफ ऐसे घूमते थे बोल के, ऐसे बोलते थे सब लोग, हो भी सकता है होगा 300-400 साल पहले क्या हुआ होगा तो नहीं पता, पर ये मंदिर को देखने से लगता है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय मंदिर, पहले ऐसा होता भी होगा। और ये जो अभी जो तालाब दिख रहा है ना, अभी धीरे धीरे शाम हो गया है, और ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा माहौल था, और कोई भी नहीं है, मम्मी और हम हैं और एक जो पंडित होते हैं वो थे, वो चले गए, हम लोग सिर्फ दो ही जने। ये सब पुराना आर्किटेक्चर है, देखो यहाँ पर एक्चुअली लाइट नहीं है। ना सुंदर लग रहा है, घटना भी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, मतलब जो अभी सांप जो होता है ना बहुत ज्यादा निकलता है, पीछे देखो मंदिर कितना दिख नहीं रहा। और अभी लाइट ऑफ है पूरा, इधर राजा का घर था अभी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, आई होप अच्छा लगा हो, कुछ जानने को ज़रूर मिला हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।